गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का चैप्टर लेथ मशीन पढ़ेंगे। लेथ मशीन मदर मशीन टूल है जो अधिकतर वर्कशॉप में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मशीन है। लेथ मशीन का सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म है वो है इंजन लेथ, जिसको हम सेंटर लेथ कहते हैं। इसको इंजन लेथ इसलिए कहते हैं कि जब इस मशीन का आविष्कार हुआ तो सब जगह बिजली उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसको हम इंजन से चलाते थे। जैसे कि हम गांव में सब जगह बिजली नहीं होती तो आटा चक्की को इंजन से चलाते हैं, कुओं पे पानी खींचने के लिए पंप को हम इंजन से चलाते हैं। इसी प्रकार लेथ मशीन को काफ़ी समय तक इंजन से भी चलाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंजन लेथ। तो इंजन लेथ जो है वो लेथ मशीन की सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो लेथ मशीन जनरली सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बेलनाकार कार्यखंड उत्पन्न करने के लिए यूज की जाती है। बेलनाकार कार्यखंड की मशीनिंग करने के लिए इसको यूज की करते हैं। बेलन आप सब समझते हैं, अपने रसोई घर में बेलन यूज होता है, वही बेलन है। तो बेलनाकार कार्यखंड बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। तो ये देखिए, इस प्रिंसिपल को हमने चित्र के द्वारा समझाया है। इसमें ये चक है, इस चक में वर्कपीस को पकड़ा जाता है और वर्कपीस घूमता रहता है, यानी चक घूमता है। इसमें चक में लगा हुआ वर्कपीस है, ये भी घूमता है। इस घूमते हुए वर्कपीस के सापेक्ष हम एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, इसमें एक ही कटर तैयार है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को घूमते हुए वर्कपीस के सापेक्ष थोड़ा सा दसाते हैं और दसाने के बाद में हम इसको ट्रांसफर मोशन करते हैं, इसकी लॉन्गिट्यूडनल चलाते हैं इसको। तो टूल सबसे पहले हमने यहां लगाया और यहां लगाने के बाद में एक कैलकुलेट डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट का मतलब इस टूल को कार्यक्रम में दसाया जाता है। एक कैलकुलेटेड जैसे हाफ एमएम हो गया या 0.6 एमएम हो गया, 0.7 एमएम हो गया। इसके बाद में इस घूमते हुए कार्यक्रम के साथ इस टूल को डेप्थ ऑफ कट दी जाके इसका ट्रांसफर मोशन करवाया जाता है। तो पहले यहां से टच करता है, यहां से टच करके धीरे धीरे हम इसको इधर लेके आते हैं। तो ये घूमते हुए कार्यक्रम है, इसके ऊपर से अनवांटेड मटेरियल को चिप्स के रूप में उतार के सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बेलनाकार कार्यकुंड ये प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब लेथ मशीन का आविष्कार क्यों हुआ? लेथ मशीन का आविष्कार सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके समय हुआ, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो तोपखाना काफी यूज किया गया, तोपखाने में गोला बारूद भी काफी यूज हुआ। तो गोले बनाने के लिए जो गोला होता है तोप का, वो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार गोले, तोप के गोले बनाने के लिए इस मशीन का आविष्कार हुआ, इसलिए इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल जॉब, सिलिंड्रिकल जॉब प्रोड्यूस करने के लिए। लेथ मशीन पे हम सिलिंड्रिकल जॉब है वो बनाने के अलावा इसके हम ऊपर हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, टेपर ग्राइंडिंग कर सकते हैं और अन्य प्रक्रम है वो भी हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं लेथ मशीन के बेसिक पार्ट्स के ऊपर। लेथ मशीन में विभिन्न प्रकार के मशीन प्रक्रम करने के लिए बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? तो ये लेथ मशीन का लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम जो कि हम अधिकतर एग्जाम में बनाते हैं, ये लेथ मशीन का लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम में लेथ मशीन के मुख्य भाग है उनको दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये लेथ मशीन के मुख्य भाग इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बेड, ये बेड है। इसके बाद में हेड स्ट्रोक, ये हेड स्ट्रोक है। इसके बाद में टेल स्ट्रोक, ये टेल स्ट्रोक है। इसके बाद में कैरिज, ये आपका कैरिज है। इसके बाद में सेडल, क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड, ये कैरिज है, कैरिज के ऊपर लगी हुई दिख रही है, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड एंड टूल पोस्ट। और इसके बाद में एप्रन जो कि कैरिज है, कैरिज के आगे बोल्टेड होता है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया लाइन डायग्राम के द्वारा। अब मैं इसका एक्चुअल व्यू है वो आपको बताता हूं।
इसका व्यू है। तो इसमें सबसे पहले अपन चलते हैं बेड के ऊपर, लेफ्ट क्वेश्चन बेड। ये लेफ्ट क्वेश्चन का बेड है, लेफ्ट क्वेश्चन का बेड। ये बेड लेफ्ट क्वेश्चन के सभी भागों, जैसे आपका हेड स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक है, कैरिज है, इन सबको सारा प्रदान करता है, ठीक है। और ये जनरली कास्ट आयरन की सॉलिड कास्टिंग होती है, कास्ट आयरन की सॉलिड कास्टिंग होती है। और मुख्य भाग से कि हेड स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक है और कैरिज है, इसके लिए सपोर्ट का काम करता है, इन सबको सारा प्रदान करता है। इसलिए इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि बेड के ऊपर ही ये सारे भाग लगे हुए हैं, और साथ ही जब ये आपके हेड स्ट्रोक में स्पिंडल चलती है और कटिंग टूल कटिंग करता है तो उसका कटिंग फोर्स भी आता है। तो एक तो इन तीनों का भार हो गया और दूसरा कटिंग फोर्स है वो हो गया। तो इसके लिए आपका बेड है वो सफिशियंट रिजिड होना चाहिए ताकि डिस्टोर्टेड नहीं हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है बेड की कि इस बेड के ऊपर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, ये प्रॉपर होना चाहिए, उसका वेट भी सफिशियंट होना चाहिए। वेट सफिशियंट होने से, प्रॉपर मटेरियल होने से, इसमें लेथ मशीन के चलने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं उन वाइब्रेशन को ये मटेरियल एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए लेथ मशीन का बेड है वो जनरली कास्ट आयरन का माना जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन में वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है ताकि कार्य करने के दौरान मशीन है वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं करे। तो ये हो गया आपका बेड। अब ये बेड है आपका, इस बेड में, ये बेड, इस बेड में वेज बने रहते हैं, ये वेज, एक वेज इधर होता है, दूसरा वेज इधर होता है, दो वेज बने होते हैं। इन दो वेज में आपका कैरिज है वो दाएं और बाएं गति करता है। तो ये आपका बेड का डिस्क्रिप्शन हो गया कि बेड है वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसका मटेरियल है वो सुटेबल होना चाहिए, इसका वेट सफिशिएंट होना चाहिए और ये रिजिड होना चाहिए ताकि ये मशीन के अन्य पार्ट्स हैं उनका भार सहन कर सके और जो कटिंग फोर्स आ रहे हैं उनको सहन कर सके, डिस्टोर्टेड नहीं हो। तो ये आपका बेड हो गया। अब बेड है, इस बेड के ऊपर ही आपके हेड स्ट्रोक लगा हुआ है, टेल स्ट्रोक लगा हुआ है, कैरिज लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेड स्ट्रोक। जब लेथ मशीन के हम सामने खड़े हुए हैं तो लेथ मशीन के बाईं ओर एक बॉक्स के समान की संरचना है। ये देखिए बॉक्स के समान की संरचना है, मेटल का बॉक्स जो अपने घर में होता है उसी के समान की संरचना है, जो कि लेथ मशीन के बाईं ओर परमानेंटली रखा हुआ है, ठीक है। ये परमानेंटली फिक्स किया हुआ है लेथ मशीन के बाईं ओर। क्या काम है इसका हेड स्ट्रोक का? हेड स्ट्रोक का पहला तो काम है स्पिंडल को सारा प्रदान करना। इसमें स्पिंडल लगी हुई है, उस स्पिंडल को सारा प्रदान करना। और दूसरा इसमें गियर बॉक्स लगा होता है, उस गियर बॉक्स की सहायता से इस स्पिंडल को हम डिफरेंट स्पीड पे चला सकते हैं। तो हेड स्ट्रोक का काम है स्पिंडल को सारा प्रदान करना, और साथ ही साथ इसमें गियर बॉक्स लगा होता है जिसकी सहायता से हम स्पिंडल को, ये स्पिंडल है आपकी, इस स्पिंडल को हम डिफरेंट स्पीड पे चला सकते हैं। अब इसकी जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल होलो होती है, खोखली होती है। खोखली होने का क्या लाभ है? खोखली होने का लाभ ये है कि अगर हमारे पास लंबी रोड है तो लंबी रोड है, उस लंबी रोड को हमने इस स्पिंडल में लगाया तो जितना भाग बाहर निकालना है वो बाहर निकाल देते हैं और बाकी का भाग पीछे की तरफ निकल जाता है। इसलिए खोखली होने से ये फायदा है कि हम लंबा कार्यखंड है वो भी इसके ऊपर पकड़ सकते हैं। दूसरा जो स्पिंडल होती है इसमें मोर स्टेपर कटा हुआ रहता है, स्टैंडर्ड मोर स्टेपर। मोर स्टेपर क्यों काटते हैं? मोर स्टेपर इसलिए काटते हैं कि ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल में हमें सेंटर को भी पकड़ना होता है। एक सेंटर होता है जो कि इस स्पिंडल में पकड़ा जाता है, इसलिए स्पिंडल होलो है, इस होलो स्पिंडल में सेंटर पकड़ा जाएगा, इसलिए इसमें स्टैंडर्ड मोर स्टेपर है वो कटा हुआ रहता है ताकि सेंटर को आसानी से फिट किया जा सके। अब ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल का कुछ भाग जिसको हम नोज बोलते हैं वो इस बॉक्स से बाहर निकली रहती है और उसके ऊपर चूड़ियां कटी हुई रहती है। चूड़ियां
कनेक्टिव रहती है, उसका ये लाभ है कि इस नोज के ऊपर हम चक को जिसमें कि कार्य पकड़ा जाता है, चक है, उस चक को उन चूड़ियों के ऊपर कस सकते हैं। तो चक को कसने के लिए ये जो आपकी स्पिंडल की नोज है जो कि बाहर निकली हुई इस बॉक्स से, उसके ऊपर बाहरी चूड़ियां पकड़ी हुई है, उस चूड़ियों से इस चक को कस दिया जाता है, क्योंकि कार्यखंड है वो कार्यखंड इस चक में ही पकड़ा जाता है। अब स्पिंडल है, इस पे एक तो कार्यखंड का भार होगा और एक कटिंग फोर्स का भार होगा, इसलिए ये स्पिंडल मजबूती से पकड़ी होनी चाहिए। इसके लिए इसमें बियरिंग लगी होती है, इन बियरिंग की सहायता से इस स्पिंडल को सपोर्ट किया जाता है, ताकि ये लेथ मशीन का जो ब्लेड है इस ब्लेड के सापेक्ष इसकी एक्सिस है वो हमेशा समानांतर बनी रहे। अब ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल घूमती है और इस चक्र, इस चक्र में हम कार्यखंड को पकड़ते हैं, तो हम डिफरेंट प्रकार के मटेरियल है उसकी कटिंग है वो लेथ मशीन पे करते हैं। डिफरेंट प्रकार के मटेरियल की कटिंग डिफरेंट प्रकार के टूल से, यानी जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है और जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है, इसलिए इस मशीन, इस स्पिंडल को हमें डिफरेंट स्पीड पे चलाना पड़ता है। तो इस स्पिंडल को डिफरेंट स्पीड पे चलाने के लिए इस पे अरेंजमेंट होता है कि ये जो आपका बॉक्स है वो या तो बेल्ट और पुली अरेंजमेंट लगा हुआ होगा इसमें, या फिर ऑल गियर्ड होगा, बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट या फिर ऑल गियर्ड, जिसके कारण हम इस स्पिंडल को डिफरेंट स्पीड पे घुमा सकते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया हेड स्टॉक का। अब अपन चलते हैं दाईं ओर, दाईं ओर ये लगा हुआ आपका टेल स्टॉक। हेड स्ट्रोक में आपकी स्पिंडल घूम रही है, जबकि टेल स्ट्रोक है वो नॉन रोटेटिंग पार्ट है। इस टेल स्ट्रोक को हम लूज हेड भी बोलते हैं और इस टेल स्ट्रोक को हम, ये लेथ मशीन का ब्लेड है, इस ब्लेड के ऊपर दाएं और बाएं खिसका सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जिस प्रकार से आपका हेड स्ट्रोक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी प्रकार टेल स्ट्रोक है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टेल स्ट्रोक में एक बैरल लगा हुआ रहता है, इस बैरल को हम इस हैंड व्हील की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं या अंदर कर सकते हैं। तो ये पपेट है, ये पपेट इस हैंड व्हील से चल सकता है। अब जिस प्रकार हेड स्ट्रोक में जो स्पिंडल है उसमें मोस्ट टेपर कटा हुआ है, इसी प्रकार टेल स्ट्रोक है, इस टेल स्ट्रोक में जो बैरल है इसमें भी मोस्ट टेपर कटा हुआ है। तो कहने का मतलब है इसमें भी हम सेंटर को पकड़ते हैं और टेल स्ट्रोक है इसमें भी सेंटर को पकड़ते हैं। तो अब सेंटर का क्या लाभ है, सेंटर क्यों पकड़ा हमने, हेड स्ट्रोक में भी पकड़ रहे हैं सेंटर, टेल स्ट्रोक में भी पकड़ रहे हैं सेंटर। तो जो टेल स्ट्रोक है, टेल स्ट्रोक के दो मेन पर्पस है। पहला पर्पस क्या है, लंबा कार्यखंड, ये मान लिया कार्यखंड इतना लंबा हो गया आपका यहां से यहां तक, तो इस लंबे कार्यखंड को हम डायरेक्टली चक में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि लंबा कार्यखंड होता है उसका खुद का वेट होता है, तो जब वो घूमता है तो वाइब्रेट होता है, इसलिए इसको हमें सपोर्ट करना होता है, लंबे कार्यक्रम को सपोर्ट करना होता है। तो लंबे कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए हेड स्ट्रोक का, हेड स्ट्रोक में सेंटर लगाते हैं और एक टेल स्ट्रोक में सेंटर लगाते हैं, इन दोनों में सेंटर लगा के फिर कार्यक्रम में उस कार्यक्रम को पकड़ा जाता है। इसलिए हेड स्ट्रोक की स्पिंडल होती है, इसमें भी मोस्ट टेपर कटा हुआ है, और जहाँ पर टेल स्ट्रोक का पपेट है या बैरल है इसमें भी टेल स्टैंडर्ड मोड्स कटा हुआ है, जिसके कारण हम एक सेंटर इसमें लगाएंगे और एक सेंटर इसमें लगाएंगे। सेंटर जो होता है वो स्टील का बना हुआ सॉलिड पार्ट होता है जिसमें भी टेपर बना हुआ रहता है, तो एक सेंटर इसमें फिट कर देते हैं टेल स्ट्रोक में और एक सेंटर हेड स्ट्रोक में फिट कर देते हैं, और उसके साथ उन दोनों के बीच में लंबा कार्यखंड है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम तो हो गया टेल स्ट्रोक का, लंबे कार्यखंड है उनको सपोर्ट करता है। अब टेल स्ट्रोक का एक काम और है, इस टेल स्ट्रोक को हम 25 mm तक दाएं और बाएं सेट कर सकते हैं, यानी टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेल स्ट्रोक इसको हम 25 mm तक दाएं और बाएं टिल्ट कर सकते हैं, तो हमें अगर छोटा टेपर काटना हो, कार्यखंड के ऊपर छोटा टेपर काटना हो, तो भी टेल स्ट्रोक है वो काम आता है, ठीक। टेल स्ट्रोक की जो पपेट बैरल है, इस बैरल को लॉक करने के लिए एक यहाँ पे हैंडल लगा होता है, इस हैंडल की लीवर की सहायता से हम इसको लॉक कर सकते हैं, और इस टेल स्ट्रोक को हम इस लेथ मशीन के ब्लेड पे दाएं और बाएं खिसका सकते हैं, और इसमें भी
ये आपका हो गया हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक, इन दोनों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं केरिस। केरिस क्या करता है, केरिस का जो फाइनल वर्क है वो टूल को कैरी करना होता है, और टूल को कैरी करके टूल की दो गतियां, टूल है उस टूल को दो गतियां प्रदान करना होता है। पहली गति लेथ मशीन का जो सेंटर है उस सेंटर के पैरेलल गति देना टूल को, इसके द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं टर्निंग। और दूसरा काम है लेथ मशीन का जो सेंटर या ब्लेड है उसके परपेंडिकुलर गति देना, इसके कारण जो सरफेस प्रोड्यूस होता है उस प्रकरण को हम बोलते हैं फेसिंग। तो टर्निंग और फेसिंग करना कार्यक्रम की, तो उसके लिए केरिज का इस्तेमाल किया जाता है। तो केरिज है, इस केरिज के ऊपर इस टूल को लेथ मशीन के बेड के पैरेलल और परपेंडिकुलर गति देने के लिए और बहुत सारी युक्तियां लगी होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड। तो आपका ये जो केरिज है, इस केरिज के सबसे ऊपर लगी हुई गति है सेडल, केरिज के सबसे ऊपर लगी होती है सेडल। सेडल एक एच शेप की कास्टिंग होती है, एच शेप की जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो इंग्लिश का एच बनता है, तो एच शेप की कास्टिंग होती है जो कि केरिज के ऊपर सबसे पहले लगी हुई होती है। इस सेडल को हम इस केरिज की मदद से दाएं और बाएं चला सकते हैं। अब सेडल है, सेडल का काम क्या है, सेडल का मुख्य काम है क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट, इन तीनों को सारा प्रदान करना, क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड और टूल पोस्ट इन तीनों को सारा प्रदान करना, ये सेडल का काम है। तो सेडल के ऊपर आप क्रॉस स्लाइड लगेंगे, कंपाउंड स्लाइड लगेंगे और टूल पोस्ट लगेगा। तो ये सेडल हो गया आपका। अब सेडल के ऊपर सबसे पहले क्या लगेंगे, क्रॉस स्लाइड। क्या काम है क्रॉस स्लाइड का, क्रॉस स्लाइड का काम है आपका जो टूल है, ये टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट में टूल लगा हुआ है, तो टूल को ये लेथ मशीन का जो सेंटर है या लेथ मशीन का ब्लेड है, इस लेथ मशीन के ब्लेड के 90 डिग्री के मोशन प्रदान करना, लेथ मशीन के ब्लेड के 90 डिग्री के मोशन प्रदान करना। तो क्रॉस स्लाइड, इस क्रॉस स्लाइड का पहला काम हो गया टूल को लेथ मशीन के ब्लेड के 90 डिग्री के मोशन प्रदान करना, और दूसरा काम हो गया कंपाउंड स्लाइड को सारा प्रदान करना, ये हो गया आपका क्रॉस स्लाइड का काम। तो क्रॉस स्लाइड है ये लेथ मशीन के ब्लेड के क्रॉस वाइज चलती है, 90 डिग्री पे चलती है, इसलिए इसका नाम हो गया क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड स्लाइड लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो आपकी सेडल है, इस सेडल को हम दाएं बाएं चला सकते हैं, क्रॉस स्लाइड को 90 डिग्री पे चला सकते हैं। तो दाएं बाएं हो गया टूल का मोशन और 90 डिग्री पे हो गया। अब हमें एक मोशन और चाहिए जो न तो लेथ मशीन के बेड के पैरेलल हो और न परपेंडिकुलर हो बल्कि किसी एंगल पे हो, ताकि हम कार्यखंड में उस कार्यखंड में टेपर काट सकें। तो इसके लिए कंपाउंड स्लाइड है वो टूल को ऐसी गति प्रदान करती है जो कि लेथ मशीन के बेड के न तो पैरेलल है न कि और न ही परपेंडिकुलर है बल्कि किसी एंगल पे है, तो इसके लिए हम कंपाउंड स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड इन दोनों में चलाने के लिए डायल है, डायल गेज है, वो लगे हुए रहते हैं। सेडल है, इस सेडल में भी पावर के द्वारा चला सकते हैं और हाथ के द्वारा भी चला सकते हैं। इसी प्रकार क्रॉस स्लाइड है, इस क्रॉस स्लाइड को भी हम पावर के द्वारा भी चला सकते हैं और हाथ के द्वारा भी चला सकते हैं, लेकिन कंपाउंड स्लाइड होती है इसमें पावर नहीं होता, पावर फीड नहीं होती है, इसको हमें हाथ से ही चलाना होता है। तो कंपाउंड स्लाइड है, इस कंपाउंड स्लाइड से टूल को ऐसी गति प्रदान की जाती है जो कि न तो लेथ मशीन के ब्लेड के पैरेलल है और न ही परपेंडिकुलर है। अब टूल पोस्ट आपका कंपाउंड स्लाइड है, इस कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है। लेथ मशीन के ऊपर जो पे जो एक्चुअल कटिंग होती है वो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा करते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा मशीन को ऑपरेशन करने के लिए जरूरी है कि उसको टूल को मजबूती से पकड़ा जाए, मजबूती से पकड़ा जाए। तो मजबूती से पकड़ने के लिए, मजबूती से और सावधानी से पकड़ा जाए, तो टूल को मजबूती और सावधानी से पकड़ने के लिए हम टूल पोस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लेथ मशीन है, इस लेथ मशीन के मुख्य भागों का वर्णन हो गया है।
सेडल क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के द्वारा विभिन्न गतियां देके हम सिलेंड्रिकल या टेपर जॉब बना सकते हैं।